पाएंगे। ऐसे आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि सरकार आपकी सेवा शर्त को मंजूर करने जा रही है, और मुझे लगता है कि आपका जो जो नियोजित और नियमित का जो फासला है उसकी भी दूरी को जो है बहुत जल्द जो है कम हो जाएगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। और सरकार के जो है पक्ष और विपक्ष दोनों ही जो है आपकी मांगों के प्रति जो है सजग है, और हम लोग सब लोग जो है मिल करके आपके जो भी आप लोगों का मांग है वो उस मांग को हम लोग जो है पूरा प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग आश्वस्त करें और आपकी मांगों को हम पूरी जोरदार तरीका से विधानसभा में ला करके सभी विधायक सब लोगों का जो है आपके दर्द को हम लोग समझते हैं, सब लोगों ने आपके दर्द को समझा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात का जो है पूरी तरीका से मन बना चुके हुए हैं, आने वाले समय में इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। माननीय विधायक जी, एक सवाल ये है कि आपने कहा, बहुत अच्छा कहा कि हमारे सेवा शर्त के लिए सरकार संवेदनशील है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये 5 वर्षों से सेवा शर्त के प्रति ये आशान्वित ये सरकार अभी जगी है, पहले क्यों नहीं जगी थी, और पहले सेवा शर्त के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती थी सरकार, एक सवाल इसका जवाब दिया। इसमें यही था कि सरकार का बहुत सारी जो है उत्तरदायित्व होती है, बहुत सारे लोगों का जो है, अब कृषि समन्वयक का भी मामला आया था, ग्राम रक्षा दल का भी मामला आया था, पूरे बिहार में लंबे समय से ग्राम रक्षा दल को जो है 1900 जब आज़ादी प्राप्त हुई उस समय से ही लोगों का कार्यकाल रहा, लेकिन आज तक उन लोगों को कोई जो पारितोषिक जो मिलना चाहिए या मानदेय जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिली थी। बहुत सारी मामले आते हैं सरकार के पास में, जब सरकार में कोई रहता है तो उसको जो इम्प्लीमेंट करना होता है तो बहुत सारे संसाधन को ध्यान में रख करके उसको क्रियान्वयन करना होता है, इसलिए सरकार आपके हर मुद्दे को जो है वो पूरा निष्ठा के साथ में देख रही है, और आप इस पूरी बिहार में जो शिक्षा की जो नीति है उसके ऊपर में जो जिस प्रकार से आप लोगों का जो आस्था है और पूरे लोग आप पर जो है आस्था रखते हैं, पूरे विद्यार्थी या पूरा समाज का जो है नेतृत्व आप करते हैं, एक अच्छे जो है इंसान को बनाने में आप की प्राथमिक अहम भूमिका रहती है, तो वो सारे मुद्दे को हम लोग भी देख रहे हैं।